गुड मॉर्निंग एवरीवन. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द टाइप ऑफ टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. इसमें आपको स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट से आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का टिश्यू है. तो आपको क्या हिंट मिला कि फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में कौन हेल्प करता है, विच टिश्यू, फ्लोएम. इज फॉर्म्ड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, जहाँ पर डिवाइडिंग वर्ड आ जाए वहाँ पर हम कौन सा टिश्यू देखेंगे, कौन सा टिश्यू राइट डाउन करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. फॉर्म्ड ऑफ डेड फाइबर लाइक सेल्स, जहाँ पर डेड वर्ड आ जाए तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्क्लेरेन्काइमा. सपोर्ट ह्यूमन बॉडी, सपोर्ट, जो सपोर्ट करता है वो कौन सा है, स्केलेटल. बाइंड, बाइंड से पता चल रहा है क्या, कनेक्टिव टिश्यू किसको बाइंड करता है, डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. फॉर्म्स द वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की वॉल कौन बनाता है, मस्कुलर टिश्यू. नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, गिव मेन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट आपका क्या है, एपिडर्मिस. एपिडर्मिस क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन. ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी. रिजिडिटी मीन्स हार्डनेस. ठीक है, जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को. ठीक है, तो एब्जॉर्ब कौन करेगा, रूट्स, और उसको यूज कौन करेगा, लीव्स. एडिपोज टिश्यू, एडिपोज क्या करता है, फैट को स्टोर करता है, इट स्टोर फैट. कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल, कार्डियक मीन्स हार्ट, तो ये मसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, हार्ट में, और इनका फंक्शन क्या होगा, पंपिंग ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ दी बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना, क्योंकि ये मसल्स कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में. रेड ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है, सप्लाई ऑक्सीजन टू सेल्स ऑफ दी बॉडी. जो आरबीसी है वो क्या करती है, सप्लाई करती है ऑक्सीजन को. ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इट सप्लाई या इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. नेक्स्ट हमारा है, मैच द कॉलम्स. कॉर्क, कॉर्क का मैच क्या होगा, कॉर्क का मैच होगा प्रोटेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. स्पॉन्जेस, इसका क्या होगा मैच, सेल्यूलर लेवल, क्योंकि इसमें टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, इसका लेवल कहाँ तक है, सिर्फ सेल तक, सेल्यूलर लेवल. मायोफाइब्रिल्स, मायो मीन्स मसल्स, एंड मसल्स किस में हेल्प करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन में और मूवमेंट में, तो इसका क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी. रूट टिप, देखो टिप आ गया तो टिप पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टेम. एपेक्स और टिप एक ही बात है, एपेक्स एंड टिप, तो रूट टिप पे क्या है, एपिकल मेरिस्टेम. टिश्यूज, टिश्यूज क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब अपना अपना काम डिवाइड कर लेते हैं और अपना अपना काम करते हैं. ब्लड सेल फॉर्मेशन, ये किस में होती है, बोन मैरो में, जो हमारी ब्लड की सेल्स हैं वो कहाँ बनती हैं, कहाँ फॉर्म होती हैं, बोन मैरो. ठीक है, उसके बाद है आई पार्ट, आइडेंटिफाई द टिश्यू. इसमें आपको टिश्यू को आइडेंटिफाई करना है कि एपिडर्मिस ऑफ लीफ में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है. इसमें होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू. सेकेंड क्या है, वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. थर्ड क्या है, स्टोर फैट, अभी हमने किया, स्टोर फैट कौन करता है, एडिपोज टिश्यू. बोन, बोन किस में, बोन का टिश्यू कौन सा है, स्केलेटल. ठीक है, स्केलेटल टिश्यू. लीगामेंट, लीगामेंट वाला टिश्यू कौन सा है, फाइब्रस कनेक्टिव, अभी हमने डिफरेंसेस में किया था ना, तो ये आ जाएगा फाइब्रस कनेक्टिव, क्योंकि ये क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है एट दी जॉइंट्स. ब्रेन, ब्रेन का टिश्यू कौन सा होगा, जो हमने चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में किया था, नर्वस टिश्यू. हार्ट, हार्ट का टिश्यू कौन सा है, मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि इसमें कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका टिश्यू कौन सा हो जाएगा, मस्कुलर टिश्यू. इसमें आपका नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. फर्स्ट आपका है इसमें, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स आर एसोसिएटेड टू फॉर्म, सेल्स इकट्ठी होकर क्या बनाएंगी, दे विल फॉर्म टिश्यूज. ठीक है, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होगा, आरबीसी में. ठीक है, बाकी तीनों में प्रेजेंट है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव सेल्स दैट,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। वेस्कुलर बंडल्स ऑफ प्लांट्स आर फॉर्म्ड ऑफ, जो वेस्कुलर बंडल है मैं बार बार आपको बताती आ रही हूँ कि वेस्कुलर बंडल्स मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। ब्लड इज अ, ब्लड कौन सा टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें हम ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन यूग्लिना इज, यूग्लिना क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मीन्स वन, तो इसमें कौन सा लेवल है, सेलुलर लेवल, ठीक है, तो ये टिश्यू ऑर्गन और मोलिकुलर लेवल इसमें नहीं आएगा, आंसर क्या होगा, सेलुलर लेवल। ठीक है बेटा, मंडे से हम अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तब तक आप प्लीज अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, उसको चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर लर्न कर लीजिए, ताकि जब भी स्कूल ओपन हो तो हम इसका जो है रिटन टेस्ट अच्छे से दे सकें।